इस्लाम फॉर ऑल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन को दबाइए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस अपडेट्स मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु खैर। हुजूर ने फरमाया तुम्हें एक ऐसा अमल ना बता दूं जिसमें बदन भी नहीं थकता और है भी बड़ा आसान। अल्लाह अकबर। फरमाया वो अमल कौन सा है? अस्समतु व हुस्नुल खुलुक, खामोशी और अच्छे अखलाक। ज्यादा बोलने से बेहतर है खामोश रहो, खामोशी में नजात भी है सवाब भी है। ज्यादा बोलने वाला झूठ भी बोल लेता है, ज्यादा बोलने वाला गाली गलोच और सबो शतम पर भी उतर आता है, ज्यादा बोलने वाला किसी की पगड़ी भी उछाल देता है, ज्यादा बोलने वाला गीबत भी कर लेता है, ज्यादा बोलने वाला ऐसा मजाक कर देता है जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे। ज्यादा बोलने वाले से बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, जो थोड़ा बोले उससे गलतियां कम होती हैं, चूंकि इंसान के ज्यादा गुनाह जो है वो उसकी जुबान की वजह से होते हैं। एक रिवायत में आता है जब सुबह होती है सारे आजाए बदनियां जुबान के आगे हाथ जोड़ते हैं, बीबी तू चुप रहना, चूंकि बोलती तू है और मुसीबत सारे आजाए बदनियां को सहना पड़ती है। तो ये जुबान जो है इसकी वजह से ज्यादा गुनाह होते हैं, या जुबान की वजह से या इंसान की इस्मत का जौहर जब लुटता है तो फिर उसके पल्ले कुछ नहीं रहता। इसलिए मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया जो तुम्हारी दो टांगों के दरमियान और जो दो जबड़ों के दरमियान जुबान, इन दोनों की मुझे तुम जमानत दे दो, मैं मोहम्मद तुम्हें जन्नत की जमानत दे देता हूं। तो फरमाया कि मैं तुम्हें ऐसा अमल ना बता दूं कि जो बहुत ही आसान है, और वो क्या है? असमत, खामोशी, व हुस्नुल खुल्क, और दूसरी बात अच्छे अखलाक, रवैयों की खूबसूरती। किसी से मिलो तो हंस के मिलो, किसी से बात करो तो लहजे में नरमी हो, किसी की इज्जत आबरू का ख्याल रखो, बड़े का एहतराम करो, छोटे पर शफकत करो, मखलूक खुदा पर रहम करो, अल्लाह की मखलूक पर शफकत से पेश आओ, रसूल करीम की उम्मत पर रहम करो। तो ये ऐसा अमल है जिस पर कोई मुल भी नहीं लगता, कीमत भी नहीं लगती, बदन भी नहीं थकता, लेकिन नामाए आमाल नेकियों से भर जाता है। कयामत के दिन नामाए आमाल पर सबसे वजनी जो अमल होगा वो हुस्ने खुल्क होगा। हुजूर ने फरमाया कि बेहूदगी और फोहश कलाम करना, ये सब कुछ जो है, तो फरमाया ये इस्लाम में से नहीं है, और बेहतरीन इस्लाम वो है जिसमें खुल्क अच्छे हो। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जो हुस्ने खुल्क है ये गुनाहों को इस तरह मिटा देता है जिस तरह जो मुसफ़ा पानी होता है, अच्छा पानी होता है, वो बदन से मैल कुचैल उतार देता है, और जो बुरे अखलाक हैं वो अमल को इस तरह फासद और ज़ाया कर देते हैं जिस तरह शहद के अंदर सिरका डाल दिया जाए तो शहद सही नहीं रहता। तो अमल अच्छे हैं लेकिन बदखुल की उन आमाल की बर्बादी का सबब और ज़रिया बन जाती है। हमारी ज़ुबान जो है वो ऐसी खूबसूरत बातों से मुज़य्यन हो कि क़यामत के दिन जब नामा आमाल रखा जाए तो हुस्ने खुलक का वज़न हमारे गुनाहों को कम कर दे और हमारी नेकियां हुस्ने खुलक की वजह से बुलंद और बाला हो। अल्लाह जल्ला शानहु हमें मामलात के अंदर खूबसूरतियां नसीब फरमाए, रिफ़ नरमी नसीब करे, माफ़ कर देने की तौफीक नसीब करे।